अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आप कैसे हैं? आपको बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन। बिल्कुल, और बहुत मिस किया आप लोगों को हमने। हाँ भाई, बस कुछ थोड़ा सा काम कर रहे थे, मसरूफ थे, लेकिन बहुत मिस कर रहे थे। ये मत समझिएगा कि हमने आपको याद नहीं किया, हम आपको भूल गए और आप भी हमें भूल गए। ऐसा नहीं हो सकता कभी। बिल्कुल, हमें पता है कि आप हमें कभी नहीं भूलते, और बहुत सारे मैसेजेस भी आए कि आप कहाँ हैं, क्या हैं, क्या हो रहा है, भाई नजर नहीं आ रहे। तो वो मुहर्रम सफर भी था और कुछ काम भी था, तो बड़े प्यारे प्यारे दिन आ गए हैं माशाल्लाह। 9 रबीउल अव्वल, उसके बाद 10 रबीउल अव्वल और आज 12 रबीउल अव्वल। तो आप सबको हम दोनों की तरफ से, आरफ़ैन ताबीर की तरफ से, आरफ़ैन ताबीर म्यूजिक की तरफ से बहुत बहुत ईद मिलादुन नबी मुबारक मुबारक हो। क्या आप दे रहे हैं न्याज? देखिए, आज हम देंगे मौलवियों वाली, यानी कि हलवा। अच्छा अच्छा ओके, नान और हलवा। तो आपको बहुत अच्छा बनाना आता होगा ना? हलवा हलवा बन जाएगा जी। बाजार से नहीं लाना, घर पे बनाना। ठीक है, तो बनाएंगे ना। पहले क्या करते हैं उसमें? हलवा लेते हैं। जल्दी करें, सूजी टाइम ओवर हो रहा, भी बांटना भी है। चलो इंशाल्लाह ताला अभी शुरू करते हैं आपके साथ, आपको भी दिखाते हैं हलवा, माय वे ऑफ मेकिंग हलवा इंशाल्लाह। ओके, अच्छा। बाहर से भी खाती हूँ ना जब मैं कभी हलवा कहीं से, तो वो थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट सा, कच्चा कच्चा सा मुझे लगता है, मुझे नहीं ऐसा पका हुआ सही नहीं होता। हाँ, ब्राउन, हल्का सा ब्राउन हो ना तो बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, बल्कि ये तो आपकी, आपको तो हर खाना बनाना आता है, हर रेसिपी आपको आती है, मैं आपसे पूछती हूँ। बिल्कुल आती है हर रेसिपी, अभी अभी मैं बनाता हूँ, देखिएगा। अल्लाह की कसम, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई। आता हो या ना आता वो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से आप कहते हैं ना, नहीं देखे हेल्पर का तो थोड़ा सा मिल सकता। अब आप हेल्पर हो गए एक सेकंड में। जी नहीं, यू आर द शेफ। पोल खोल दी ना आपने, हेल्पर हो गए। चलें जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ध्यान से। गैस आ रही है जी, शुक्र है पाकिस्तान। अरे वैसे वाकई मेहरबानी है, शुक्र। पता दिन दिन में तो आती है, रात में पता नहीं कहाँ चली जाती है, अल्लाह जाने। और एक जो बहुत अच्छी खुशाइन बात है वो आपसे शेयर करते चले कि हमने अपना फ़ोन भी अपग्रेड किया है, आईफोन 15 प्रो मैक्स हमने लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और जिनकी तौफीकात में अभी ये चीज़ नहीं है, अल्लाह उनको भी बहुत नवाजे। आमीन आमीन। हाँ जी, तो मेरी रेसिपी हलवे की ये है, सूजी के हलवे की, कि एक कप अगर सूजी है तो बराबर की एक ही कप चीनी, और पानी का हिसाब क्या है, 2 कप। मेरा ये है, मैं इस तरह से बनाती हूँ। पीना है, ये डालना है, पी ले, मेरा ख्याल है सबसे आसान है। अच्छा, पहले ना मैं ना घी नहीं डालती, लोग शुरू से घी में भूनते हैं, लेकिन अच्छा। मुझे ये नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उस तरह से वो सही से ब्राउन नहीं होती। ठीक है, अब ये मैंने डाला, बिस्मिल्लाह, 1 और 2। ठीक है, मैं थोड़ा बनाती हूँ ताकि आपको पता चले, बाकी तो मैं बाद में बना लूंगी जो मुझे बांटना है आज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, सबको पता है। इसको सूखे में अगर भूना जाए, और जाए क्या, ये सूजी है ना, दाने, अच्छा, अच्छा। और ये हैं इलायची के दाने, ये आप इसमें शामिल कर दें और इसको आप भूनेंगे। क्या भूनना है इसको? हाँ हाँ, ताकि ये थोड़ा सा ब्राउनिश उसमें आ जाए। मैंने सुने, मैंने कितने कप डाले हैं इसमें सूजी के? 3, 2 कप यार, 1 कप याद करके बताएं जल्दी कितने कप डालें। 2 कप का हम हिसाब बना रहे हैं। ठीक है, साथ एक बड़ा इम्पोर्टेंट पैगाम ये है कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी वीडियोस जो हैं वो आपको मुतवातर मिल सकें। ठीक है, ये बड़ी आहिस्ता आहिस्ता से होती है, अगर हम इसको तेज आंच पे करेंगे तो क्या होगा, जल जाएगा। गुड बॉय, एटलीस्ट यू नो दैट। अच्छा जी, अब हमने, चूंकि मैंने क्या आपको हिसाब बताया था, 1 कप सूजी होगी, 2 कप पानी होगा, और चीनी पहले बताया कितनी होगी। चीनी वो अपनी मर्जी से, हंस पे जायका, हंस पे मामूल। बस फिर आपका जो हलवा है ना वो पतंगे जोड़ने के काम आएगा। यार पतंग उड़ाने का कितना शौक था मुझे बचपन में, बहुत
अभी भी हम दोनों को ही था, ये कैसी बात है ना। बहुत शौक पतंग उड़ाने का, लेकिन क्या करें, वो उससे नुकसान भी होता है, यू नो। नुकसान तो फिर किसी भी चीज से हो सकता है, मतलब आप एक स्पोर्ट भी थी, एक फन भी था। तो कहते हैं कि नुकसान होता है, पता नहीं। तो फिर किसी खुली जगह पर जाके उड़ाने की इजाजत। हाँ, ये हो सकता है कि उसको जो है वो आप किसी एक जगह पर इजाजत दे दें। बड़ी गुड़िया मैंने काटी हैं लोगों की, बड़ी गुड़िया। मेरे साथ हो जाएगा क्या? मेरे साथ मत लगाना, मेरी बड़ी प्रैक्टिस थी, फिर अब तो नहीं है। लेकिन ये बता दूं मैं कि मैं वो परी लाती थी, एक इतनी सी। अच्छा, इतनी सी परी, और इतनी बड़ी बड़ी पतंगें उड़ी भी। अच्छा, कब पतंग पकड़ी है कभी? नहीं, पहले ये सुनो ना। बड़ी बड़ी पतंगें नहीं होती थी नोक वाली, वो उड़ी भी होती थी। और मुझे एक काम आ गया था, मुझे ये पता चल गया था कि अगर मैं इनके राइट से लाके और हाथ मार दूंगी ना खींच के, तो ये कट जाएंगे। बस ये मुझे करना आ गया। बड़े काटे हैं मैंने, और मुझे उड़ा के अगले वाले हमसाए उड़ा रहे होते। और जब कोई ऐसे काटता था ना, इतना गुस्सा आता था उस पर। आई नो, इतनी बड़ी पतंग, इतनी महंगी होती थी वो, और वो ऐसे सीधी तन के उड़ी हुई होती थी। तो वो जो उड़ा रहे होते थे ना बच्चे आगे, वो हमारी छत पीछे थी, तो वो जब मैं हाथ मार देती थी ना उसको, तो वो एकदम कहते थे कौन है, तो मैं बैठ जाती थी नीचे। ये सही है। आपने भी बहुत पतंगबाजी की हुई है, पतंगबाज सजना बहुत की है ना। जी जी, बहुत अच्छा मजा आता है यार बचपन। अच्छा, ये देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है। गोल्डन सा कलर हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे घी, मगर उससे पहले हम पानी रख लेंगे जो हमने इसमें डाला है अपने मेजरिंग कप के साथ। तो बताएं आप कितना पानी डालना है इसमें? दो कप। दो कप, तो एक कप सूजी के लिए था। जी जी, तो अपनी मर्जी से डाल लेंगे। डबल द सूजी। ये बहुत जल्दी बाद में होने लग गया था। ब्राउन चीजों की और पंजाबी बड़ी बोलने थां सी। बड़ी बोलते थां सी। अब ये पानी रखा ना चार कप, हाँ, उसमें ये एक, और ये हलवा होता है मीठा मीठा, भर भर के दो। अगर कम डालोगे तो मिठास कम हो जाएगी। बिल्कुल, और शुगर वाले हजरात ना डालें, डाइट हलवा उनके लिए। डाइट, अल्लाह उन्हें शिफा याब करे। इसमें मैंने चीनी मिला दी पानी में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज, इसमें हमें डालना है घी, और घी इतना डालना है कि वो ठहरे ना, ज्यादा भी ना हो। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा घी नहीं पसंद हलवे में। घी में वरना हलवा तैर रहा होगा। देखिए, मैं जब ऐसा लगने लग जाए कि सारा ठीक सा गया है, तो ये काफ़ी हुआ करता है। ओवर किस्म का घी डलता है ना, वो नहीं पसंद। चलिए, घी डल गया। अब इसमें क्या डलेगा? इसके बॉयल होने का वेट है ताकि ये शीरा बन जाए। मीनवाइल बादाम और किशमिश आप इसमें डाल दें, ताकि थोड़ा सा वो भी उसमें खुशबू आ जाए। जी, तो अब हमारा सही से शीरा जो है वो पक गया, बन गया। अब हम इसको मिलाएंगे अगर एहतियात से। शीरा जो है वो अब जाएगा हलवे में। आहिस्तगी से डालना पड़ता है, वरना ये उछल के बाहर आ जाता है। कलर देखो यार, अब इसको क्या करना है? देखो ना, जब ये पकेगा थोड़ी सी देर में ये गाढ़ा हो जाएगा। और हलवा तैयार। और क्या, इंस्टेंट यम्मी हलवा। इसकी जो छींटे होती है ना, इससे बचना भी एक काम है। How do you like the color? Very nice.
डिशेस। माशाल्लाह जी, तो माशाल्लाह हलवा तैयार हो चुका है और आप देख रहे हैं। मौलवी हजरात से इल्तमास है कि वो इज्तनाब करें क्योंकि उनका तो एक निवाला हो गई जी। सॉरी माशाल्लाह। अच्छा, मेरा मतलब था कि इतना बाबरकत मौका है और आपकी वो जो नात आपने एक कंपोज की थी, कौन सी? साकी साहब की, मिला वफा को शौरे वफा मदीने से, इस इब्तिदा की हुई नहीं, इस इंतहा की हुई इब्तिदा मदीने से, मदीने से। तो अगर वो थोड़ी सी आप अता कर दें इस वक्त जी, मौका ही। अच्छा सर, चले ठीक है, इंशाल्लाह सुनाइए। बिस्मिल्लाह। मिला वफा को शौरे वफा मदीने से, इस इंतहा की हुई इब्तदा मदीने से, कभी तो आएगी बादे।